वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। चिकित्सा विभाग के द्वारा जो स्थायी भर्तियां नर्सिंग और पैरामेडिकल की जा रही हैं, इसी के क्रम में एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो अंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ होल्ड अभ्यर्थी थे। होल्ड से मतलब किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं हो पाया था, कोई पीएच कैंडिडेट में थे और कई अंक तालिकाओं के मैटर में रुके हुए मैटर थे। तो उन सभी का जो है उसमें से कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है, होल्ड अभ्यर्थियों का एएनएम स्थायी भर्ती के लिए। तो बढ़ते हम हमारे उस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को आपके चहेतों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, ये अभी एक ऑर्डर जारी किया गया है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिफू द्वारा। 13-9 का अभी आज का लेटर है ये। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र सीधी भर्ती 2023 अंतिम वरीयता सूची, यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो अंतिम वरीयता सूची अभी जारी की गई थी, उस सूची में 1173 अभ्यर्थी, कुल 1173 अभ्यर्थी जो है उनका परिणाम विभिन्न कारणों से रोका गया था, जिसमें से कुल 377 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जा रहा है। यानी कि जो 1173 अभ्यर्थी रोके गए थे परिणाम, उसमें से इस लेटर के अंदर 377 अभ्यर्थियों को जो है फिर से परिणाम जारी किया जा रहा है, जिसके अनुभव प्रमाण पत्र और अंक तालिकाओं को लेकर जो पुनर्सत्यापन किए जा चुके हैं उनका लेटर, उनके नाम अभी इसमें जारी कर दिए गए हैं। तो आप 377 अभ्यर्थियों को भी एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 4/9/2024 को जारी सूची में मेरिट अनुसार यथास्थान सम्मिलित किया जाएगा। जो पहले मेरिट सूची जारी की गई थी उसी सूची में आपको जो है स्थान दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, अभी देखिए 17 सितंबर 2024 को जिला लेवल पर रोजगार उत्सव, द्वितीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को वेलकम किट और उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। तो देखिए, अगर जो रोजगार वाली लिस्ट आई है अभी कल, उसमें अगर आपका नाम नहीं भी है तो आप टेंशन ना ले किसी भी तरीके से। अभी जो आपके परिणाम रोके गए थे उन 1173 अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अनुभव प्रमाण पत्र या अंक तालिकाओं सत्यापन या किसी और वजह से जो होल्ड में थे, उनमें से 377 का ये रिजल्ट जारी किया जा रहा है, बाकी और का भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो अंतिम चयन सूची में चयनित हो जाने से किसी की अभ्यर्थियों को पदस्थापन कार्यक्रम का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। इस संबंध में देखिए दिशा निर्देश जारी किए गए, ये लिस्ट एक जारी की गई है, आप लोग देख लें। लिस्ट आपको प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल और प्रगति एजुकेशन जो व्हाट्सएप चैनल पर, अगर आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अंतर्गत नॉन टीएसपी, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम चयन सूची में परिणाम रोके गए थे अभ्यर्थियों में अन्य राज्य से। जो अन्य राज्य वाले कैंडिडेट हैं उनके अंक तालिकाओं का सत्यापन जिन जिन का हुआ है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो यानी कि ये जो लिस्ट है एक बार आप देख लीजिएगा, आपका नाम इससे आप मैच कर लीजिएगा। ये वो कैंडिडेट है जो अन्य स्टेट से एएनएम कोर्स करके आए थे और उनका जो है सत्यापन नहीं हो पाया था, उन अभ्यर्थियों का सत्यापन करवा लिया गया है, चाहे वो किसी भी स्टेट के थे। लगभग अभ्यर्थियों का जो है अदर स्टेट वालों का सत्यापन हो चुका है, तो इसमें अदर स्टेट वालों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में आप अपना नाम एक बार चेक कर लें, अन्य राज्य वाले जो अन्य राज्य से एएनएम आपने किया है। ये कंप्लीट लिस्ट है, आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। लगभग 288 कैंडिडेट है जो अन्य राज्य के थे, उनका सत्यापन हो चुका है। इसके बाद नॉन टीएसपी में ही अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन से जो कैंडिडेट होल्ड किए गए थे, जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है सत्यापन नहीं हो पाया था, उन कैंडिडेट की भी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ये सभी अभ्यर्थियों का आप यहाँ पे नाम देख ले। हो सकता है आपके फ्रेंड का नाम इसमें हो, आपका नहीं हो, तो आपको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 51 कैंडिडेट है जिनका लिस्ट यहाँ जारी किया गया है। इसी प्रकार से टीएसपी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, अनुसूचित क्षेत्र की, तो उसमें अंक तालिकाओं के सत्यापन अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं टीएसपी के एरिया के, उनके भी परिणाम जारी कर दिए गए हैं। तो टीएसपी एरिया के ये कैंडिडेट हैं, एक बार आप जैसे लिस्ट देख पा रहे हैं,
इस लिस्ट में करीब करीब 19 कैंडिडेट हैं जो टीएसपी कैंडिडेट थे, उनका अन्य राज्य से एनएम डिप्लोमा था, उनका भी सत्यापन हो चुका है। बाकी और भी कैंडिडेट हैं, उनकी लिस्ट जल्दी जारी की जाएगी। और अनुसूचित क्षेत्र की मैं बात करूँ, जिसके अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन बाकी था, जिनके अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं हो पाए थे, उन कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आप एक बार इसमें आपका नाम देख लें, ये टीएसपी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं, आपकी यहाँ पे लिस्ट एक बार चेक कर लें कि कौन कैंडिडेट है जिनका अनुभव प्रमाण पत्र, अच्छा हो सकता है आपके फ्रेंड का इसमें नाम नहीं हो, आपका नाम हो, तो बाकी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी लिस्ट जारी कर दी गई है और बाकी जो कैंडिडेट रह गए उनकी लिस्ट भी जल्दी जारी की जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थी को और जो शेष रहे अभ्यर्थी उन सभी को भी एक बार फिर से अग्रिम बधाई है। आप सभी को मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।